नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। आज मैं 2-3 दिनों के बाद आपके सामने आया हूँ और कुछ समस्या थी, बीमार नहीं था, कुछ समस्या थी, सर नहीं आ पाया। और मैंने आपको कहा था कि अगले बार मैं आपको शनि के बारे में कुछ बताऊंगा, तो आज शनि के बारे में ही बता रहा हूं आपको। शनि मूल नक्षत्र में है, अभी ये 26 अक्टूबर को इंटर किए मूल नक्षत्र में और 2 मार्च 2018 तक मूल नक्षत्र में सीधे स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। उसके बाद ये थोड़ा चेंज हो जाते हैं, मूल नक्षत्र से आगे बढ़ जाते हैं। मूल नक्षत्र के बाद होता है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उसमें इंटर करते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? मूल नक्षत्र केतु के अधिपति केतु के अंदर आता है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के अंदर में आता है, तो रिजल्ट दोनों का इंटायरली डिफरेंट होगा। और इसमें ये 14 अप्रैल तक रहेंगे पूर्वाषाढ़ा में। मैं चाहूंगा नोट कर लीजिए, डेट नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग जो नोट करते हैं, प्लीज नोट डाउन द डेट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 16-10-2017 को शनि इंटर के मूल नक्षत्र में। इस मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और इस केतु के ही मूल नक्षत्र में ये 2 मार्च 2018 तक चलेंगे। तो केतु को आधार बना करके रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद 3 मार्च 18 से ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में चलेंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है ये शुक्र का होता है, इसके लॉर्ड शुक्र होते हैं। तो शनि शुक्र में हैं और वो क्या क्या देंगे किस किस नक्षत्र वालों को, ये दो रिजल्ट हो गए। फिर ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में ये 18-4 तक है। 18-4 को फिर ये उल्टे चलने लगते हैं, इज रिटर्निंग बैक। जैसे किसी का कुछ सामान गिर गया है तो आधे रास्ते से लौट करके खोजता है, खोजता सड़क पर जाता है कि अच्छा यहां पर मिल जाएगा हमको। तो 18-4 को शनि लौट रहे हैं और इस पूर्वा नक्षत्र में ही वो 4 जून 18 तक रहेंगे। ये उल्टे पांव चल रहे हैं, किसी चीज को ढूंढते ढूंढते उनका कुछ गिर गया था रास्ते पर, तो सीधे चलते 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 मूल नक्षत्र पार करके पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र गए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में उनको आधा आया कि अरे मेरा तो पर्स गिर गया है, तो फिर वहां से लौटे अपना पर्स खोजते खोजते। 18-4 से ढूंढना शुरू किया, रास्ते पर लौट रहे हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र देखा नहीं मिला उनको। फिर आगे बढ़े तो मूल नक्षत्र में री इंटर किए। थोड़ा दूर चलते 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 जब वो 8 डिग्री पहुंचे तो देखे कि हाँ यहां पर तो मेरा पर्स गिरा हुआ है, उन्होंने उठा लिया। और फिर वहां से वो सीधे चलने लगे, कहे कि जाना तो है उनको आगे, मकर राशि के प्रदेश में जाना है उनको। तो वो जो फिर पर्स उठा करके चलने लगे, ये 6 सितंबर 2018 को चलने लगे डायरेक्ट। अब चलो भैया धनु राशि को पार करना है जल्दी जल्दी और मकर में हमको जाना है, वो मेरा घर है, वहां जरूरी है जाना। तो धनु राशि में मूल नक्षत्र में फिर ये चलना शुरू करेंगे 6-9-18 से। प्लीज नोट डाउन दिस डेट, 6-9-18 से फिर से अपनी खोई हुई चीज को पा करके वापस लौटना शुरू कर रहे हैं और 27-11-2018 तक, नवंबर 2018 तक इसी मूल नक्षत्र में रहेंगे।
फिर इसका रिजल्ट डिफरेंट होगा, वो पहले जो मूल में रिजल्ट था वो नहीं होगा, ये डिफरेंट रिजल्ट होगा. एंड अगेन अगेन ही विल इंटर इनटू पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जहां से वो लौटे थे, जिस जगह से उनको याद पड़ा कि अरे परसों गिर गया है, फिर उसमें वो इंटर करेंगे 27/11/2018 को, और पूरा साल भर रहेंगे, जिसमें 27/12/18 को ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का दूसरी सीढ़ी पर चढ़ेंगे. ये एक नक्षत्र में चार सीढ़ियां होती हैं चढ़ने के लिए, तो 27/12 को ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कहीं दूसरे सीढ़ी पर चढ़ेंगे ये. सो देखिए, शनि ऐसे ही उल्टे पुल्टे चलते हैं. पहले भी मैंने कहा था कि शनि की टेढ़ी मेढ़ी चाल, मैंने बताया था आपको, और शनि का पूरा परिचय भी दिया था. तो शनि का उतना पूरा परिचय दे करके फिर रिपीट करके फिर यहाँ से शुरू करूँ तो समझे इलाही कारोबार हो जाएगा. मैं ये बोल रहा हूँ कि इस बार शनि जो 26 अक्टूबर को इंटर किए हैं धनु राशि में और 23 जनवरी 2020 तक रहेंगे, इसमें ये 6 कलर अपना चेंज करेंगे, इनके 6 रिजल्ट होंगे. मूल में सीधे जाते समय एक रिजल्ट, पूर्वाषाढ़ में सीधे चलते हुए दूसरा रिजल्ट, पूर्वाषाढ़ में पीछे लौटते हुए तीसरा रिजल्ट, मूल राशि मूल नक्षत्र में फिर पीछे लौटते हुए चौथा रिजल्ट, फिर उसी मूल में सीधे चलते हुए पांचवा रिजल्ट, पूर्वाषाढ़ा में चलते हुए फिर आगे साल के अंत तक छठा रिजल्ट. इसलिए यदि सिर्फ शनि के बारे में कहूं कि शनि धनु राशि में है और ये रिजल्ट होगा, तो ये तो बकवास है. आई हैव टू मेक ए डिटेल कि ये जिस रास्ते से चल रहे हैं, यहाँ से चल करके एक ट्रेन खुली, दिल्ली से चली, मुगल सराय आई, मुगल सराय में देखा कि अरे मेरा तो सामान खो गया है, नहीं मिल रहा है, लगता है प्लेटफॉर्म पर ही छूट गया, मैंने चढ़ाने में छोड़ दिया था. वो आदमी दूसरी ट्रेन पकड़ करके फिर वापस अलीगढ़ से आया दिल्ली, फिर वापस होकर के गया बनारस तक, वहाँ पर लोग मुगल सराय तक लोग उनके रुके हुए थे, फिर उनको ज्वाइन किया, फिर वो लोग फिर आगे बढ़े. तो ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी चाल है फिर शनि की, और शनि तो गड़बड़ करते हैं. उनके रिजल्ट देखिए, कहा गया है रावण को ये मालूम था कि कुंडली के 11th हाउस में भी सारे ग्रहों को बंद कर दिया जाए और उस समय जो बच्चा पैदा होगा वो अमर होगा. इफ ऑल द प्लैनेट्स आर इन द 11th हाउस एट द सेम टाइम, इफ ए चाइल्ड इज बॉर्न, उसका डेथ नहीं हो सकता, वो अमर हो जाएगा. और एस्ट्रोनॉमिकली इट इज नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है. कम से कम राहु तो बाहर रहेगा या केतु बाहर रहेगा, दोनों में से कोई एक ग्रह तो बाहर रहेगा ही, इसलिए कि दे आर 180 degree अपोजिट. तो 11th हाउस में यदि राहु रहेंगे तो 5th हाउस में केतु रहेंगे, या केतु रहेंगे 11th हाउस में तो राहु 5th हाउस में रहेंगे. सो 8 ज्यादा से ज्यादा एक बार में अष्टग्रही 8 ग्रह लग सकते हैं, 9वां ग्रह तो बाहर रहेगा. बट रावण महाबली था और विशद विद्वान था, और उसने बहुत कुछ अपने तिकड़म लगा के जुगाड़ लगा करके सारो 9 के 9 ग्रहों को उसने 11th हाउस में डाल दिया था बंदी बना करके, और मेघनाथ का जन्म होने वाला था. तो नौ ग्रह ने विचार किया कि यदि कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो रावण के घर का बच्चा होगा, महापातकी होगा, ये तो बिल्कुल अमर हो जाएगा, तो पूरी सृष्टि को ध्वंस कर देगा ये, कुछ तो करो. लोगों ने शनि भगवान को कहा कि शनि भगवान आप ही कर सकते हो, और तो किसी के पास सामर्थ्य ही नहीं.
दुष्टता में, दुष्टता को शांत करने की क्षमता तो सिर्फ आप ही को है। तो जैसे प्रसव का समय आया, शनि ने अपना एक पैर 11th हाउस से बढ़ा करके 12th हाउस के बॉर्डर को जस्ट पार करा दिया। ये रावण इसको देख नहीं पाया, लख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, अंदाज नहीं लगा पाया और प्रसव हो गया। सो ऑल द प्लैनेट्स वेयर नॉट इन 11th हाउस, द सैटर्न वॉज आउट। सैटर्न तो पैर बढ़ा दिए थे द्वादश भाव में। उसके बाद जब रावण देखने लगे तो देखा कि अरे ये तो शनि ने तो गड़बड़ कर दिया, पैर आगे बढ़ा दिया। क्रोध में आकर के उसने अपने चंद्रहास तलवार से शनि का पैर काट दिया। जो पैर बढ़ा हुआ था 12th हाउस में उसको काट दिया। इसलिए शनि का पैर कटा है तो इसको बोलते हैं इट इज अ लेम प्लैनेट, लंगड़ा ग्रह है। मतलब इट मूव्स वेरी स्लो, दोनों पैर रहने से तो चलता लेकिन इसकी स्पीड कम हो गई। तो 30 डिग्री पार करने में इनको 2.5 साल लग जाता है। तो शनि कलयुग में सबसे महान और प्रधान ग्रह हो जाते हैं। यदि शनि प्रतिकूल है तो बाकी 8 ग्रह भी आपके अनुकूल हैं। तो अनुकूल ग्रहों का प्रभाव कमजोर हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, समझ लीजिए मेरी बात को। कलिकाल में यदि आपके 8 के 8 ग्रह शुभ हैं, एक्सलेंट पोजीशन में हैं, और शनि यदि डेबिलिटेटेड है या बलहीन है या उसमें कैसे भी शालीनता नहीं है, मिठास नहीं है, अच्छाई नहीं है, दुष्टता अधिक बढ़ गई है, उसमें तीव्रता अधिक बढ़ गई है, तो बाकी 8 के 8 ग्रह की हिम्मत नहीं है कि शनि को पराजित करके अपने सारे के सारे शुभ रिजल्ट दे दें। शुभ रिजल्ट देंगे, अमाउंट घट जाएगा, क्वालिटी घट जाएगी, क्वांटिटी भी घट जाएगी, क्वालिटी भी घट जाएगी। तो इतनी महत्ता है शनि की, इसलिए सभी लोग डरते हैं शनि 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 शनि, कॉमन वर्ड हो गया, शनि चढ़ गया है। शनि की ढैया चली तो शनि पहले 2.5 साल सिर पर रहे, फिर 2.5 साल छाती पर आए, फिर 2.5 साल पैर में आए, 7.5 साल हो गया, 7.5 ही चली शनि की। लोग परेशान होते हैं, परेशान व्यग्र, शनि 7.5 ही लग गई, शनि चढ़ गया। शनि यदि चौथे घर में है किसी के, चंद्रमा से चौथे घर में या आपके लग्न से चौथे घर में, इसको कंटक शनि बोलते हैं, कांटा है। साधु संत देखते हैं ना, कांटी कील पर सोते हैं, उनको कील गड़ता है लेकिन अपने शरीर का सामंजस्य इस तरह से किए रहते हैं कि बोट लोड इज वेरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल द पॉइंट्स। सो चुभता नहीं है, वो श्वास भी लेते हैं तो इतने धीमे सांस लेते हैं कि शरीर का वजन किसी तरफ अधिक ना हो जाए। कंटक शनि, शनि वैसे ही चुभता है। यदि चंद्रमा से चौथे घर में आ जाए तो शनि चुभता है। आप अपने घर में नहीं रह सकते हो, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आपका शहर बदल सकता है, गांव बदल सकता है, ऑफिस बदल सकता है, प्रांत बदल सकता है, स्टेट बदल सकता है, महादेश बदल सकता है, चौथे में शनि आ जाए तो। ये होता ही है। और शनि यदि चंद्रमा से किसी के 8वें घर में आ जाए, 8 महीने बराबर कहा है, 8 का मतलब होता है एस्ट्रोलॉजी में मृत्यु, 8 या 24, 240 डिग्री से 270 डिग्री का जोन चंद्रमा से, ये मृत्यु का जोन है। और शनि यदि उसमें आ जाते हैं
तो लोग बोलते हैं अष्टम शनि आ गया, आठवें घर में शनि आ गया, अरे अब तो मृत्यु परेशान कर रही है, अब तो मरने का डर है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, अकाल मृत्यु हो सकती है, कष्ट से मृत्यु हो सकती है, दुख से मृत्यु हो सकती है, इसलिए शनि का लिटरल मीनिंग है दुख। शनि का लिटरल मीनिंग दुख होता है। अब ये शनि की ये स्थिति है, ये जो जगहें हैं साढ़े साती, कंटक शनि, चौथा शनि या अष्टम शनि या मृत्यु का शनि, ये तीन पोजीशंस से सारी दुनिया कांपती है, ऋषि मुनि से लेकर के महात्मा धर्मात्मा तक कांपते हैं। लेकिन ये कांपने का जो अर्थ है, ये बहुत बढ़ा चढ़ा करके लोगों ने कर दिया है, ऐसी बात नहीं है। सृष्टि में ईश्वर ने किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं बनाया है कि उसके अच्छे और बुरे दोनों गुण ना प्राप्त हों। ए कॉइन हैज गॉट टू साइड्स, एवरी प्लैनेट हैज गॉट टू साइड्स, गुड साइड एंड बैड साइड। मैंने अपने जीवन में साढ़े साथी लगते हुए लोगों को मैंने करोड़पति होते हुए देखा है, और मैंने कहा भी है कि साढ़े साथी तुमको उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जहां पर हिमालय पहाड़ भी बौना हो जाएगा। शनि यदि आपके फेवर में हो गए, आपको कहीं भी ले जाएंगे, चाहे वो अष्टम शनि हो चाहे कंटक शनि हो। लेकिन कुछ ट्रेट्स मिलते हैं, जैसे अष्टम शनि हो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत फेवरेबल हैं आपको, चलो आपको ट्रांसफर करा दिया तो आपको ऐसे जगह में डाल दिया जहां पर आपके दोनों हाथ में लड्डू और सिर कड़ाही में है, आप बोलोगे ट्रांसफर हो गया। लेकिन उसी में तो सब कुछ दे दिया, निहाल कर दिया आपको। ये शनि है, सो कोई भी यदि शनि से डरता है तो मैं कहूंगा ये अज्ञानता है। फर्स्ट यू हैव टू नो एंड डिटरमाइन कि ग्रह आपके अनुकूल है या नहीं है। बेसिकली रेडिकल चार्ट में शनि आपके लिए शुभ है या अशुभ है। जिसमें आपका जन्म हो रहा था उसमें भगवान ने शनि को आपके पिछले कर्मों के अनुसार किस जगह रखा ताकि आपको इनके उत्तम गुणों का फल भी आपको मिल जाए, और यदि कुछ आपने पिछले जन्म में गड़बड़ी की है, अन्याय किया है, अत्याचार किया है, तो आपको दंड भी मिल जाए। बहुत बड़ी चीज है समझने की, इसलिए शनि से मत डरिए। दूसरा चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार्स। शनि यदि नक्षत्र सिद्धांत से आपके लिए शुभ हैं तो आपका एक खरोंच तक आपको नहीं लगेगी। नक्षत्र सिद्धांत से यदि शनि अनुकूल हैं, देखिए नक्षत्र का मतलब होता है 13 डिग्री 20 मिनट का जोन इन द स्काई, और राशि का मतलब होता है 30 डिग्री जोन इन द स्काई। राशि बड़ा है, नक्षत्र छोटा है। एक राशि में एक 13 डिग्री 20 मिनट का नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र फिर 16 डिग्री 40 मिनट तक रहेगा। सॉरी 26 डिग्री 40 मिनट तक रहेगा, और फिर तीसरा नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट का रहेगा। तो राशि बड़ी अमाउंट है और नक्षत्र छोटा है, तो शनि को गुजरने में समय लगता है। 30 डिग्री चलने में 30 महीना लगता है, तो 13 डिग्री चलने में 13 महीना लगेंगे। और 20 मिनट चलने में कुछ दिन और लगेंगे। तो शनि को पहले वर्गीकरण कर लीजिए,
क्लासिफिकेशन के हिसाब से शनि आपके शुभ हैं या नहीं हैं ये जान लीजिए आप। फिर नक्षत्र सिद्धांत से ये जानिए, सेकंड स्टेप है कि शनि जिस नक्षत्र में गुजर रहे हैं वहां से शनि आपको क्या दे रहे हैं। देखिए मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हूं और ये सच बोल रहा हूं, ये सही है। कारण कुंडली जो होती है ये जातक के लिए है, जो लोग जन्म लेते हैं, इट इज कॉल्ड जातक हु इज बॉर्न ऑन दिस अर्थ। लेकिन जो ग्रह हैं ये देवता हैं, नवग्रह देवता हैं। देवता कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द ह्यूमन बीइंग, देवता कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद गॉड। साधु सन्यासी महात्मा कैन नॉट बी इक्वेटेड विद गॉड, दे हैव गॉट डिफरेंट लेयर्स। ऊपर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश माता काली दुर्गा माँ ये सब भगवान है, भगवान के नीचे देवता है। यह ददाति सौ देवता, पवन देव से लेकर के वरुण देव इंद्रदेव अग्निदेव ये सारे देवता जो देते हैं धरती पर। ब्राह्मण देवता वो ज्ञान देते हैं, गुरु हमको ज्ञान देते हैं, जो दे सकते हैं वो देवता है। उनके नीचे ऋषि मुनि महात्मा दिव्यात्मा पीर पैगंबर जो ह्यूमन फॉर्मेट में है और बहुत इनलाइटेड सोल है जिनकी आत्मा पूर्ण हो चुकी है, अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर चुकी है, ऐसे दिव्य आत्मा। उसके बाद डेमी गॉड होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ये गॉड हैं, ये लोग भी देवता हैं जिनको मांगने से पूजने से कुछ मिल जाए। बहुत सारे लोग पीपल गाछ की पूजा करते हैं, द ट्री कैन गिव, कुछ लोग केला गाछ की पूजा करते हैं, दैट ट्री कैन गिव। तो जो देते हैं वो देवता है, सिंपल। यह ददाति सौ देवता, तो शनि हमको क्या दे रहे हैं इसका अंदाज करना जरूरी है। इसको यदि आप एनालिसिस नहीं करेंगे, यदि आप देखेंगे कि आपके लिए शनि भगवान शुभ है या अशुभ है, आपके क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो नहीं चलेगा। मैं बोलूंगा कि शनि तो मेरे मित्र हैं, वो नहीं चलेगा। हमको देखना पड़ेगा शनि आपको अपना मित्र समझते हैं या नहीं। जैसे कुछ रिलेटिव्स हैं हमारे, मान लिया मेरा कोई रिलेटिव है वो मंत्री है, बहुत बड़ा आदमी है, मंत्री है, मैं बोल सकता हूं मेरा मंत्री है, मेरा रिलेटिव है। लेकिन वो बंदा हमको तो गुदानता ही नहीं है, पूछता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, उनके दरवाजे पर जाने से बुलाएगा भी नहीं, कौन मिश्रा जी भाई कौन है आप, मैंने तो कभी देखा नहीं आपको। अच्छा फलवा के बेटे हैं आप, अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ काम है क्या, आइए फिर दूसरे दिन कभी मिलिएगा, ठीक है। तो वो बात हो जाती है, दैट मिनिस्टर में बी योर रिलेटिव, योर नोन, योर ओन पर्सन, बट ही डजंट रिकॉग्नाइज यू। सिमिलरली शनि कैन बी योर फ्रेंड अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन फ्रॉम योर साइड, बट डज शनि रिकॉग्नाइजेज यू एज अ फ्रेंड। क्या शनि आपको तरहीज देता है या नहीं देता है ये देखना जरूरी है। आई एम श्योर आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। ये सेलेशियल बॉडी है, ईश्वरीय अंश है, देवता है। जो लोग धरती पर पैदा होते हैं, जो जन्म लेते हैं, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, चिड़िया हो, मछली हो, कीड़े मकोड़े हो, वृक्ष हो, ये सब जन्म लेते हैं धरती पर, हम लोग जातक हैं। सो हमेशा जब ईश्वर के बारे में ध्यान दीजिए तो देवताओं के बारे में यू जस्ट काउंट इन द रिवर्स वे।
तो इस बार 6 बार शनि अपनी रूप रंग बदल रहे हैं, चेहरा बदल रहे हैं, कभी कठोर हो जा रहे हैं, कभी मित्र हो जा रहे हैं, कभी संकट दे रहे हैं और में है। जैसे अभी दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी समझ लीजिए, तो इस जनवरी से लेकर के 2018 का जनवरी से लेकर के 2019 पूरा, 2020 के जनवरी तक, मतलब पूरा पूरी 2 साल तक शनि 6 बार अपना रूप बदलेंगे। कभी देंगे, कभी लेंगे, कभी सताएंगे, कभी तंग करेंगे, कभी आपको कंसोलेशन देंगे, किसी को छप्पड़ फार करके दे देंगे, किसी को आकाश पर चढ़ा देंगे। शनि की स्थिति है, मैं बिना नाम लिए कुछ बात कर रहा हूँ। भारतवर्ष के एक महान विभूति थे, अंग्रेज गए तो ही टुक ओवर द चार्ज फ्रॉम माउंट बैटन। उनके कुंडली में दसम स्थान में शनि था, कर्म के स्थान में शनि। जब किसी के भी कर्म स्थान में शनि होता है तो शनि उसको एकदम बंदूक के गोली के ऐसा ऊपर, जैसे बंदूक की गोली दागिएगा तो ऐसे ऊपर उठा करके ले जाता है, और ले जाता है तो जहाँ तक उसका रेंज है वहाँ तक तो जाएगा तीव्रता से, और उसके बाद जब उसके रेंज खत्म हो जाएगी तो धड़ाम से ऊपर से नीचे गिर पड़ता है। आई नो लॉट ऑफ पर्सन्स, लॉट ऑफ डिग्नेटरीज, जो कभी सितारे थे, चमकते थे, आज जूते के नोक पर भी नहीं पूछे जाते हैं। आई नो माई सन इवन, ही हैज गॉट 10th Saturn। उसकी जब उछाल आई तो बिल्कुल आसमान में सितारे की तरह बहुत ऊपर चला गया, और चूंकि वो एस्ट्रोलॉजी जानता है तो उसको समझ में थी कि, कहता था पापा मैं गिरूंगा तो बहुत जोर से चोट लगेगी। हम कहा हाँ बेटा, जो नसीब में है वो तो मिलता है। 6 क्लास में कविता पढ़ी थी, बर्फ की कहानी थी, बर्फ बादल के साथ, हवाओं के साथ ऊपर उठता चला गया, आइस बर्फ। उसके बाद उसने कहा कि पवन देव ने नीचे पटका, देकर मुझे पैर का झटका, पैर पटक करके एकदम नीचे फेंक दिया, पड़ा पड़ा पछताता हूँ, अपने आप गला जाता हूँ। ये शनि है, दिस इज द ड्रामा ऑफ सैटर्न। 10th हाउस कर्म का होता है तो कर्म में उठा दिया। अब मान लिया यही धन के घर में हो तो धन में तो उठा देगा आपको, अरबपति करोड़पति बना देगा, और फिर आपको ऊपर से जो फेंकेगा तो आप भिखारी भी नहीं रहोगे, भीख मांगने की भी क्षमता नहीं रहेगी आपकी। इसलिए लोग शनि से डरते हैं। बहुत सारी बात है, इतना बताना संभव नहीं है, लेकिन आपको परिचय दिया, पहले भी पूर्व में भी मैं परिचय दे चुका हूं। शनि की स्थिति बहुत नाजुक होती है, सो शनि को 3 रूप से जरूर चेक कर लीजिएगा आप लोग अपनी अपनी कुंडली में। मैं हमेशा चाहता हूं कि आप खुद चेक करें, डोंट डिपेंड अपॉन द इलिटरेट पंडित्स। कुछ नहीं आता है उनको, एक ग्रह एखाने अच्छे एखाने यहाँ है वहाँ है ऐसा है, वो दशा चल रही है, दशा चल रही है, उसके बाद सत्यारा, कुछ नहीं, वो बात नहीं होता है। अंगूठी पहन लीजिए, हीरा पहन लीजिए, मोती पहन लीजिए, नीलम पहन लीजिए, सब कहानी है सर। जब शनि खराब होता है तो ऋषियों ने कहा है, सत्याचार्य ने भी कहा है कि काली गाय का दान करो, कंबल दान करो, नीलम दान करो, पहनने के लिए नहीं कहा है, दान करने के लिए कहा है। हम लोग उसको बोलते हैं कि पहन लीजिए। विद एस्ट्रोलॉजर्स वी हैव मेड ए ब्लडी
रिवर्स रोल, एकदम उल्टा नियम, इसलिए कि इसमें दो दो व्यक्ति की चांदी है, आपकी भी चांदी है और जो ज्वेलर है जो बेच रहा है उसकी भी चांदी है। तो अभी तो जिसे मेडिसिन वाले सुप्रीम है वैसे ज्वेलर लोग सुप्रीम हो गए। अक्षय तृतीया को सोना खरीद करके घर में लाना चाहिए। आई डोंट नो किसने इस कहानी को जन्म दिया। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य। अक्षय तृतीया को दान करने का महत्व है, जो दान करोगे वो अक्षय हो जाएगा। आप सिंदूर दान करोगे तो आपका सिंदूर अक्षय हो जाएगा अगले जन्म में भी। जब तक आपके मांग में सिंदूर रहेगी आपके पति की मृत्यु नहीं हो सकती। यह है अक्षय तृतीया। जितना आप दान करोगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा ही, यही सत्य है, अंतिम सत्य है, त्रिसत्य है। मान लो अगला जन्म आपका मनुष्य का नहीं होकर के गैया का हो गया तो आपको अन्न नहीं मिलेगा, घास तो मिलेगा, घास के रूप में आपको देंगे, आप कभी भूखे नहीं रहोगे। किसी न किसी प्रकार से अक्षय हो जाता है और महान महान पंडितों ने अक्षय तृतीया को बना दिया। आप सोना खरीदो धन बढ़ेगा। माफी मांग रहा हूँ भैया, जो लोग इस पंथ के आदमी हैं माफी मांग रहा हूँ, कारण कि बहुत कष्ट हुआ होगा मेरे शब्दों से, माफी मांग रहा हूँ। तो उसी तरह से शनि के लिए मैं बोल रहा हूँ, यदि शनि खराब हो तो नवग्रह स्तुति है, शनि की प्रार्थना कीजिए, नवग्रह का पाठ कीजिए, उसमें शनि है, शनि का पाठ करें, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से शुरू हो जाएगा आपकी आपकी कष्ट की क्षमता दूर, वहीं से शुरू होनी शुरू हो जाएगी। महीने में दो शनिवार को शुक्ल पक्ष का एक शनिवार, कृष्ण पक्ष का एक शनिवार नवग्रह की पूजा कीजिए या शनि का जो श्लोक है। वो 108 बार पढ़ लीजिए, सिर्फ शनि का ही श्लोक, शुक्ल पक्ष का एक शनिवार, कृष्ण पक्ष का एक शनिवार, और ये सिलसिला तब तक जारी रखिए जब तक शनि आपके कुंडली में कमजोर है। नक्षत्र वाइज जब कमजोर है तो 13 डिग्री 20 मिनट, मुश्किल से 14 महीना पड़ेगा, फिर ठीक हो जाते हैं तो आप बंद कर सकते हो। सीधी सीधी चीज है, इसको क्लिष्ट करके हम लोगों ने भयावह कर दिया है, बिल्कुल भयावह कर दिया है। ठीक उसी तरह से राहु केतु के साथ भी लोगों ने अन्याय किया है, मंगल के साथ भी लोगों ने अन्याय किया है, ये मंगली हो गई, माई गॉड आज समझ में नहीं आता है कि क्यों समझ में नहीं आता है कि यदि मंगल किसी का 12th हाउस में है तो ये 20 पैसा ही मंगला हुआ, लड़का या लड़की, और 25 पैसे तक हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन की क्षमता ईश्वर ने दे रखी है, चतुर्थांश। तो मंगल वहां से चौथे घर को देखेंगे, नुकसान करेंगे, 12, 1, 2, 3 थर्ड हाउस को, पर्सनैलिटी हाउस को, आपके छोटे भाई को वहां नुकसान कर सकते हैं, वहां से आपके शत्रु को नुकसान कर सकते हैं, आपके मामा को भी नुकसान कर सकते हैं, छठा घर मामा का कारक है। मंगल अष्टम दृष्टि से आपके दाम्पत्य सुख में भी बाधा दे सकते हैं, मृत्यु नहीं देंगे। तो थोड़ा एनालिसिस करके देख लीजिए ना पंडित जी, प्लीज। मैं यूं ही चिल्ला नहीं रहा हूं, आप लोग जब कुंडली मिला करके गड़बड़ा देते हैं तो आखिर में घूम घाम के मेरे पास आती है, और तब कोई क्षमता नहीं रहती है, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर को क्षमता नहीं रहती है, एक बार जो गलती कर दिया तुरंत उसको सुधारने की क्षमता नहीं होती है। तो शनि के 6 चाल होंगे, 6 रूप बदलेंगे,
तीव्र गति से चलेंगे अष्टधा गति, एक सामान्य स्पीड में चलेंगे एक रिजल्ट, थोड़ी तेज चलेंगे दूसरा टाइप का रिजल्ट हो जाएगा, जॉगिंग करके चलेंगे तीसरा टाइप का रिजल्ट होगा, फास्ट दौड़ने लगेंगे कुछ और रिजल्ट हो जाएगा, अति तीव्र गति से चलेंगे तो सब रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, फिर थम जाएंगे, रुक जाएंगे अचानक थक के, स्तंभन बोलते हैं, उसका एक रिजल्ट होगा, फिर वहां से वो शांत होकर धीरे धीरे चलेंगे दूसरा रिजल्ट होगा, अति धीरे चलेंगे एक रिजल्ट होगा। तो ये अष्टधा गति होती है, आठ गति होती है ग्रहों की, उसके भी रिजल्ट भिन्न होते हैं। तो आप सोचिए यदि शनि के ये 26 अक्टूबर से लेकर के 23 जनवरी 2020 तक का जो यदि मैं रिजल्ट डिटेल बताने लगूं तो कितने दिन लगेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ शनि धनु राशि में है तो कुछ भी बोल दीजिए ब्लैंक, और रिजल्ट ना आपका घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। यू विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई योर सेल्फ नॉर द कैंडिडेट। तो थोड़ी थोड़ी चीज सब चीज को टच कर लेना चाहिए। जैसे मूल नक्षत्र है ये शनि का है, शनि मूल नक्षत्र में गए मतलब वो केतु के अंदर में आ गए। जिस नक्षत्र में कोई ग्रह होते हैं तो उस नक्षत्र के अधिपति उनके स्वामी हो जाते हैं। राइट नाउ द सैटर्न्स कंट्रोलर इज केतु, समझे मेरी बात को, चौंकिए मत, समझिए। 26 दस 2017 से शनि मूल नक्षत्र में आए, ये 27वां नक्षत्र है और शनि इसमें ढुके हैं और केतु इसके स्वामी होते हैं, दोनों मित्र होते हैं, दे आर फ्रेंड्स। राहु केतु शनि और शुक्र, दे आर फ्रेंड्स। तब क्या हो गया, केतु के अंदर शनि का पावर आ गया, इसलिए शनि चले गए हैं केतु के घर में, केतु के नक्षत्र में। सो केतु हैज बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग, उनका जो पावर था सो प्लस शनि का जो पावर है वो भी मिल गया। जैसे मान लीजिए एक चुटभैया नेता हो, दबंग हो, गुंडा हो, बदमाश हो, उसके इंटरनेशनल दबंग आदमी आके टिक जाता है तो सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, बहुत पावरफुल हूं। छोट भैया सोचता है कि मैं पावरफुल हो गया। उसी तरह से एक गरीब के घर में आकर के उसका कोई संबंधी करोड़ों रुपया का मालिक उनके घर में आके बोलता है भैया आज शाम को तुम्हारे साथ ही सोऊंगा तुम्हारे घर में, क्या आनंद आएगा। करोड़पति अरबपति आदमी आज मेरे घर में आया हुआ है, मेरे शरण में आया हुआ है, क्या दंभ होगा उसको। ठीक वही स्थिति होगी, केतु इज वेरी स्ट्रांग एंड शनि का मना मतलब दुख, तो शनि को अंदर में केतु के अंदर में दुख देने की भी पावर आ गई। सो अधिकांशतः शनि ऑपरेशंस कराएंगे, केतु माने काटना। राहु का ये ब्रोकन पीस था, राहु जब अमृत खा लिया चुपके से छल करके धोखा दे करके, भगवान विष्णु को भी भ्रम में डाल दिया, जब वो समझ सके कि हाँ ये तो राक्षस है, तब राहु को उन्होंने काट दिया चक्र से, दूसरा टुकड़ा जो कटा राहु का उसको केतु बोलते हैं। तो इट इज ए ब्रोकन पार्ट ऑफ डेमन, राक्षस का ये कटा हुआ दूसरा हिस्सा है। तो केतु के अंदर में ये शक्ति भी समा गई, काटने की क्षमता भी समा गई। द सनी हैज बिकम वेरी वेरी सीरियस, वेरी डिस्ट्रक्टिव। 26 दस से हुआ है, आप अंदाज लगा लीजिए, टीवी आप देखते देखते थक गए होंगे, बोर हो गए होंगे कि कहाँ आचार हुआ, कहाँ बेहोचार हुआ, कहाँ अग्नि जली, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग मरे, कहाँ पर कंसर्ट हो रहा था तो वहाँ पर बम छोड़ दी गई, कहाँ पर आतंकवादी ने 100 आदमी के भीड़ में गाड़ी चढ़ा दी, सुने होंगे सब।
ये केतु ने किया शनि का पावर लेकर के, इसलिए शनि को सिर्फ शनि मत समझो, शनि केतु भी हो गए। अब दूसरा रूप आप समझ लीजिए, केतु को मोक्ष भी बोलते हैं। सैटर्न इज अ डेमन और डेमन का ये कटा हुआ हिस्सा है जिसमें अमृत उसने पी लिया था, तो मुंह में अमृत तो आ गया, केतु के मुंह में अमृत समा गया, अमर हो गया, आज भी आकाश में जीवित है, बिंदु मात्र के रूप में, इंटरसेक्शनल पॉइंट के रूप में जीवित तो है, तो अमृत भी आ गया इसके अंदर में। तो मनुष्य के अंदर में यदि अमृत तत्व आ गया तो आत्मा पवित्र हो गई, आत्मा पूरी पवित्र हो गई तो मोक्ष का अधिकारी हो गया, धर्म का अधिकारी हो गया। तो यदि किसी साधु संत महात्मा के कुंडली में यदि शनि की महादशा और केतु की अंतरदशा चल रही हो और यदि महात्मा इसी समय प्राण त्याग देता है तो सीधे ईश्वर के शरण में जाएगा, वो पतित मार्ग में नहीं जा सकता, नरक में नहीं जा सकता। यह है शनि और केतु का खेल। सो ऑलवेज एनालिसिस और तर्क बहुत बड़ी चीज है, महान चीज है। तर्क को मुख्य स्थान दीजिए, बिना तर्क का एस्ट्रोलॉजी होता नहीं है, लेकिन तर्क के लिए धर्म चाहिए, ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए, दूरदर्शिता चाहिए, आपके पास नॉलेज चाहिए। योर बॉडी शुड बी ए नॉलेज सेंटर व्हिच कैन एनालाइज। दंभ नहीं होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, नहीं, जो सही है वही मुझे बोलना है। ईश्वर की जो भाषा है, जो उन्होंने कुंडली में लिखी है, जो प्रारब्ध में लिखी है, उसको गैया का शुद्ध दूध मान लीजिए, एक कटोरा दूध शुद्ध मान लीजिए, और एस्ट्रोलॉजर साहब को कोई अधिकार नहीं है कि उस शुद्ध दूध में पानी के एक बूंद का करोड़वां हिस्सा भी मिला करके बोलें। कांट मिक्स इवन ए क्रोर्स एंड क्रोर्स पार्ट ऑफ ए वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन टू दैट मिल्क। रॉ जैसा ईश्वर ने लिखा है वो सुनाइए, आप बताइए, उसके बाद मार्गदर्शन दीजिए। कठिन मार्ग है, ज्ञान मार्ग बहुत कठिन होता है, बहुत ही कठिन है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग के बारे में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सात समुद्र हो और सातों समुद्र योजनों हजारों योजन चौड़ी हो और पूरे समुद्र में सिर्फ मगरमच्छ भरे हों, थोड़ी भी जगह नहीं है, और उसको तैर करके पार करके, सात समुद्र पार करके उस पार आप खड़े होते हो, बच गए तो खड़े होते हो, तो आप विजेता हो। ज्ञान मार्ग उतना ही कठिन है। ज्ञान के जरिए आप चाहोगे कि उस पार ईश्वर के पास में चला जाऊं, असंभव। कलयुग में ज्ञान पाने के लिए, भगवान पाने के लिए अकेला 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 और सिर्फ अकेला सिर्फ भक्ति मार्ग है, सरेंडर टू गॉड। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम ब्रज। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि द्वंद्व में मत रहो यार, कहीं तो एक जगह भक्ति मार्ग भक्ति में आ जाओ, चाहे मेरी भक्ति हो मेरे में ही समा जाओ। सरेंडर सरेंडर टू मी, योग क्षेमम बाह्यम अहम, मैं तुम्हारा भरण पोषण कर दूंगा, द्वंद्व में मत रहो। ये कभी द्वंद्व में मत रहो कि आपके घर में जो आप पूजा कर रहे हो वो एकमात्र फोटो है, भगवान हैं, आप रोज पुकारते हो तो भगवान तो एक दिन आते ही हैं, इतने निष्ठुर भगवान हो ही नहीं सकते। अब आप यदि उनको नहीं पहचान पाते हो, यदि आप उनकी इज्जत नहीं कर पाते हो, इट इज योर बैड लक। तुलसीदास ने भगवान हनुमान से प्रार्थना किया था कि हमको भगवान राम का दर्शन तो करवा दीजिए। उन्होंने कहा कि चेष्टा करता हूं, तो चित्रकूट में कार्तिक स्नान हो रहा था, उसमें भगवान स्नान करके भगवान राम और लक्ष्मण आए और तुलसीदास जी चंदन घिस, देखिएगा ये सब सीन देखने को मिलेगा आपको,
चंदन घिसते रहे और जो लोग जाते थे उनके पास खड़े हो जाते थे, उनको तिलक लगाते थे। तो भगवान राम तुलसीदास के सामने में खड़े हो गए, लक्ष्मण भी पीछे, लेकिन ये पहचान नहीं पाए, उनको लगा कि कोई बटुक है। तो हनुमान जी ने अपनी भाषा में कहा, तोता का रूप धारण करके, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अब इतना सुनते तो तुलसीदास व्याकुल हो गए, क्योंकि भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए, दर्शन तो दे दिया। तुलसीदास ने हनुमान जी से कहा था कि हमको भगवान के दर्शन करा दो, तो तुलसीदास को तो दर्शन करा दिया और कहा कि तिलक देत रघुवीर, अब तो भगवान राम को ही तिलक लगा रहे हो। लेकिन तुलसीदास इतने विकल हो गए कि भगवान आए मैं चरण तक नहीं छू सका, मैंने मस्तक छुआ है। तो भगवान तो आते हैं, आपके घर में भी हैं, आपके पूजा घर में भी हैं, ड्राइंग रूम में भी हैं, सभी जगह तो शनि भी हैं। नवग्रह की पूजा करो ना आप, नवग्रह मंत्र का जप करो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, शनि से मत डरो। मैं डिटेल बताऊंगा किसी दिन, आज हमने इंट्रोडक्शन के रूप में कहा कि शनि शनि जरूर हैं, विकराल नहीं है, मीठे भी हैं, ये लड्डू है, मीठा लड्डू भी है, आप इसको भी उपभोग कर सकते हो। शनि 10 नंबर और 11 नंबर को बोलते हैं। 10 नंबर माने आपके नी से, आपके हाथ से एक बित्ता का एरिया को 10 बोलते हैं। फिर दूसरा जो एक बित्ता है आपके हाथ से, एक बलिस्थ नीचे वाला हिस्सा जहाँ पर छोटा सा टखना होता है, उसको 11 बोलते हैं, और इसी जून को शनि कहा गया है। काल पुरुष का 10वां टुकड़ा और 11वां अंग, 10वां अंग और 11वां अंग शनि कहलाते हैं, और ये शनि पैर को बोलते हैं, इन्हीं के सहारे हम लोग चलते हैं। शनि हमारा गड़बड़ हो तो मैं चल भी ना सकूं, चलने की सामर्थ्य ना रहे, आपका पूरा शरीर रहे और पैर निर्बल हो, आप चलोगे कैसे, गतिशील तो हो ही नहीं सकते। यही शनि यदि बिल्कुल खराब हो जाए तो आपको लकवा हो जाएगा। जिन लोगों का शनि 4थे घर में 1 नंबर में हो तो आपको पैरालिसिस हो सकता है, आपके हार्ट के वाल्व माल फंक्शन कर सकते हैं। यदि यही शनि आपके 7th हाउस में हो तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके मूत्राशय की थैली में बड़ा विकार हो सकता है। ये शनि यदि आपके 11th हाउस में है 1 नंबर में तो फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है, ऊपर से गिर सकते हो, छत से गिर सकते हो, बालकनी से गिर सकते हो, गाछ से गिर सकते हो, अमृत चोर आम चोरी करने गए हो धड़ाम से ऊपर से गिर गए, गिरे सो अलग, चोट लगी अलग, रखवाला पिटाई करेगा सो अलग। नर्व सेंटर को सबसे पहले अटैक करता है एंड दैट टू ऑफ द लेग, इसलिए करेत सांप है, शनि को स्नेक भी बोलते हैं। करेत सांप काटता है तो पूरे नर्व के तंत्र को वो तुरंत क्लॉट कर देता है, आप एक पैर चले दूसरा पैर चलते चलते तो आप गिर जाओगे, करेत सांप यदि काटा है तो। गेहमन सांप काटा है तो आप आराम से कुछ दूर तक चल सकते हो, इसलिए कि वो मांस में आता है और मांस से ब्लड में आता है तब फैलता है। लेकिन करेत का सीधा इफेक्ट होता है नर्व्स में, शनि में, इसलिए शनि को रज्जु बोलते हैं, राहु को भी रज्जु बोलते हैं, स्नेक बोलते हैं। ईश्वर ने जो बनाया सो बड़ा सुंदर बनाया, विचित्र बनाया, अच्छा बनाया, तो
तो ये शनि के छह रूप होंगे, बदलेंगे। और मैंने यहां लिखाया है आपको, जिनका जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ है, केतु के तीन नक्षत्र होते हैं, अश्विनी मघा मूल, आप अपने शरीर की हिफाजत करें। शुक्र के तीन नक्षत्रों में जिनका जन्म है उनके लिए समय ठीक है, धन मिलेगा। सूरज के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म है, देयर इज अ प्रॉब्लम, कोई विपत्ति आ सकती है, मान मर्यादा घट सकती है, एक संक्षेप में बता रहा हूँ आपको सिर्फ। चंद्रमा के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म है, आपका कल्याण होगा, आप डूबे हुए कर्ज से तो निकलोगे, आप कल्याण तो हो जाएगा। मंगल के तीन नक्षत्र में है तो आपकी स्थिति नाजुक है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे, मारपीट होंगे, प्रत्यारी तारा है, यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ एनिमीज, एक शत्रु है तो हजार शत्रु खड़ा कर लोगे अपने व्यवहार से। राहु के नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है, इट इज ए सक्सेस जोन, मूल जब तक रहेंगे मूल में शनि, सक्सेस सक्सेस एंड ओनली सक्सेस। और यदि गुरु के तीन नक्षत्र में जन्म हुआ है तो बद्ध तारा भी है, बाधक तारा भी है, ये कहीं कहीं बद्ध बोलते हैं इसको, कहीं बाधक बोलते हैं, सही में ये बाधक तारा है। तो इतनी बाधाएं आएंगी कि मृत्यु के समान कष्ट होगा, बद्ध के समान कष्ट होगा। सोचते कि भगवान उठा लेते तो बेहतर था, इतना कष्ट दे रहे हैं। और शनि के तीन नक्षत्र में जन्म हुआ है, आपका यदि जन्म शनि के ही तीन नक्षत्र में हुआ है तो मूल नक्षत्र में जो शनि चल रहे हैं, ही इज योर फ्रेंड। और बुध के तीन नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो सैटर्न पॉजिटेड इन केतु और मूल नक्षत्र इज योर इंटीमेट फ्रेंड। आज संक्षेप में इतना ही बता रहा हूं, फिर दूसरे दिन इसको विस्तार करके बता दूंगा, कारण कि इसमें सप्तम दृष्टि, तृतीय दृष्टि, चौथी दृष्टि, अष्टम दृष्टि, सारी चीज़ों को थोड़ा समावेश कर दूंगा तो डिटेल हो जाएगा। लेकिन नहीं भी यदि मैं बोल पाया तो आपको मैंने एक क्लासिफिकेशन दे दिया है, नोट कर लोगे, नोट कर लो, सब दिन काम आएगा। आज यहीं तक, इति शुभम तहन दो इनाग्ञे जोहार।